सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं जी मैं अपने न्यू व्लॉग में। तो गाइज कैसे हो आप सब, आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 8 बजे से। तो अभी बनाना है जी मुझे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूं जी मैं आज कड़वे करेले की सब्जी। तो मैंने आज तक वैसे बनाई तो नहीं है, पर मुझे ये पता है कि किस तरह से बनाते हैं हमारे घर वाले, किस तरह से बनाते हैं। इसको बनाने का वैसे दो तरीका होता है, एक तो इसको भर के बनाया जाती है, वो तो इतना कष्ट मुझसे नहीं होगा अभी। तो मैं बनाऊंगी जी इसको कट पीस करके और चिप्स बना के बनाऊंगी मैं इसको। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और आप भी ट्राई करना अपने घर में, जैसे मैं अभी ट्राई करूंगी वैसे ही आप भी ट्राई करना बनाने की। तो बनाने के लिए तो अच्छी होती है, खाने के लिए तो अच्छी होती है, किसी को पसंद नहीं होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी भी। तो चलो गाइस देखते रहना। तो यहां पर मैंने करेले कट कर दिए हैं और हम इसको कुछ इस तरह से कट करेंगे। तो इसके मैंने बना दिए हैं जी चिप्स, और जो इसमें अंदर से जैसे बीज वगैरह होता है इसको हम इसी तरह से ही रखेंगे इसमें, क्योंकि उतने ज्यादा पके हुए नहीं है। तो जो पके हुए थे वो मैंने इधर निकाल दिए हैं, उनको तो निकालते हैं, जो ये ऐसे ही होते हैं थोड़े कच्चे कच्चे वाले, तो उनको हम इसी तरह से ही रखेंगे इसमें। तो इसका भी अपना ही स्वाद होता है अलग सा। तो देखे तो इधर मैंने कट कर दी है और इधर कुछ मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा सी सब्जी हो रही है, तो मैंने 3 नहीं कट किए, तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं अब करती हूँ जी बनाने की तैयारी शुरू। जो जैसे मैंने इसके चिप्स बनाए हुए, तो इसको भी 2 तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि तड़का देते हैं और उसमें ही इनको पका देते हैं उसके बाद, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे सबसे अच्छा उसी तरह से लगता है कि इसको हम पहले तलेंगे अच्छे से तेल में और उसके बाद जाके इसमें तड़का देंगे, तो उसका अलग ही स्वाद होता है, तो हम उस तरह से करेंगे, तो मुझे वही अच्छा लगता है। तो चलो जी अब हम बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इधर हम लगाते हैं जी तेल गर्म करने को। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है, तो तेल डाला हुआ है जी मैंने सरसों का, क्योंकि मेरे पास रिफाइंड ऑयल नहीं है तो मुझे इससे ही काम चलाना होगा। तो इधर तेल भी गर्म हो चुका है और अब डालेंगे जी हम इसमें करेले। तो मैंने अभी गैस बंद की हुई है क्योंकि इसे धुआं निकालने देगी। तो अभी हम इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे बने। तो इधर करेले भी ब्राउन हो चुके हैं, इसका कुछ इस तरह से कलर आ चुका है। इधर कुछ करेले का कलर कुछ इस तरह से आ चुका है, तो आप देख सकते हो कुछ मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि ज्यादा जल चुके हैं, पर उतना तो नहीं, ठीक है, इतना काफी इतना तो चलता ही है। और इधर देखे इसके तलते तलते मैंने इधर प्याज भी काट दिया है और अब करते हैं जी तड़का देने की तैयारी शुरू। तो इधर मैंने प्याज डाल दिया है इसमें और इसको हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे ताकि इसका भी अच्छे से स्वाद आए प्याज का। तो इधर डाल दिया है जी मैंने प्याज भी और इसको हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। अब डालते हैं जी हम इसमें धनिया। तो प्याज भी ब्राउन होने लग चुका है और इसमें अब हम डालते हैं धनिया और हल्दी। नमक अब डालते हैं जी हम इसमें करेले, क्योंकि इसमें टमाटर तो डालते नहीं हैं क्योंकि ये तो कड़वा होता है, तो टमाटर होते हैं जी खट्टे, तो इसीलिए हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। तो इधर ये हमारी सब्जियां बनके तैयार हो रही है। तो इधर हो चुकी है जी हमारी सब्जी बनके तैयार और अब देंगे हम इसको अच्छे से थोड़ी देर धीमी आंच पर और पकने। चलो जी सब्जी तो बनके तैयार हो ही चुकी है और तब तक के लिए मैं भी अपने लिए चपातियां बना देती हूँ, और फोन में बैटरी भी नहीं है तो फोन लगाती हूँ जी चार्जिंग पर। तो इधर निकाल दिया है जी मैंने ब्रेकफास्ट भी और अब करते हैं जी हम ब्रेकफास्ट।
नवरात्रों के टाइम वैसे भी मंदिर जाना बहुत ही अच्छा होता है, तो हम जा रहे हैं जी 8वें नवरात्रे में मंदिर। तो अभी हमने पूरा प्लान नहीं बना है कि हम कौन से मंदिर जाएंगे, तो प्लानिंग हमारी थोड़ी रास्ते में ही करेंगे कि कौन से मंदिर जाना है। तो मैं और मन्नत जा रहे हैं, तो अभी हम तैयार भी हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं कौन से मंदिर जाते हैं, क्योंकि शिमला में बहुत सारे मंदिर है, तो हम सोचेंगे कि कौन से मंदिर जाते हैं। तो फिर हमने मार्केट तक भी जाना है, तो हम उधर ही कहीं मंदिर में चले जाएंगे। तो अभी चलते हैं। इधर मौसम भी कुछ खराब सा लग रहा है, और इधर देखे, इधर मैंने कपड़े भी वॉश किए हुए हैं, तो मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है। तो अभी सोचा ही जा रहा है कि कपड़े अंदर उठाऊं या इधर ही बाहर ही रखूं। तो फ्रेंड्स, इधर मिले मन्नत से। हेलो गाइस। तो देखे, हम दोनों चल पड़े हैं। हम इधर पार को स्मित्री भी दिख रहा है, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन से मंदिर जाएंगे। सोचते हैं, मॉल तक सोच ही ले। हम ना सुबह से लेकर सोच ही रहे हैं। वैसे पहले हम जा रहे थे ढुंगू माता मंदिर, पर फिर हम बहुत बार गए हुए हैं, फिर हमने मार्केट तक भी जाना है, तो इसलिए हम उधर ही मंदिर में जाएंगे। देखते हैं अभी कौन से मंदिर जाते हैं। हाँ, मंदिर ही नहीं मिल रहे हमारे को पर है तो है उधर ना, उधर ही चले जाएंगे किसी एक मंदिर में, तो वहीं जाके पता चलेगा मॉल पर कि कौन से मंदिर जाते हैं। और बढ़िया से आज भंडारा खा के भी आते हैं, बहुत टाइम है ना। हाँ। इस बार एक भंडारा नहीं खाया हमने, सोचो हमारी दुर्भाग्य। सच में भंडारा खाना अच्छी बात होती है। तो नहीं, मतलब दुर्भाग्य है कि हमने नहीं खाया, तो हम जा ही रहे हैं। अब देखते हैं हमारे कितने भंडारे मिलते हैं आज। इधर का व्यू कुछ इस तरह का है, तो ये बादल तो हटने के नाम ही नहीं ले रहे आज, ये तो ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। चलो, कपड़े उठाने वाली मन्नत की बहन है वहां पर उसको भी फोन करके उठाना पड़ेगा आज हमारे को। तो गाइज, हम आ चुके हैं जी माता जी के दर्शन करके, और भंडारा भी हमने खा लिया है। तो अब जा रहे हैं जी हम लोअर बाजार। तो इधर देखे, इधर हम बैठे हुए हैं अभी, इधर हम